इस वक्त हम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक बड़ी रेड ये जो सामने की तरफ आप मकान देख पा रहे हैं इस मकान पर हो रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के ऑफिसियल वो इस मकान के अंदर मौजूद है। एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। जिस शख्स को हिरासत में लिया गया है सूत्र बता रहे हैं कि दरअसल कनाडा में बैठा जो एक खालिस्तानी आतंकी है अर्श डल्ला, जिसको कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित किया है, उससे जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। उसके अलावा एक शख्स को और हिरासत में लिया है स्पेशल सेल ने और उस शख्स को लेकर दूसरी जगह पर रेड कर रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जिस शख्स को इस बिल्डिंग से हिरासत में लिया गया है उसके पास से कुछ हथियार भी बरामद हुआ है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि टारगेट किलिंग का प्लान था। पूरा खुलासा जो है इनके मोबाइल जो रिकवर हुआ उनसे हुआ है, लेकिन अभी ये शुरुआती पूछताछ है। स्पेशल सेल की टीम इस बिल्डिंग के अंदर अभी भी मौजूद है, जबकि दूसरी एक टीम जो इस शख्स इस बिल्डिंग से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है उससे पूछताछ के बाद दूसरे शख्स को हिरासत में लेकर दूसरी जगह पर रेड करी है। लगातार रेड जारी है, मोबाइल रिकवर हुए, हथियार बरामद हुए हैं और शुरुआती जानकारी के मुताबिक जिस शख्स को हिरासत में लिया गया है इस बिल्डिंग से उसका कनेक्शन कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला से बताया जाता है।